बचाओ! ओ फक, ए रुक! बचाओ! या फिर रुक! बचाओ! बचाओ! मेरी मदद करिए! मुझे बचाइए! ए रुक! बचाओ! मुझे बचा लीजिए! इन गुंडों से मुझे बचा लीजिए! जल्दी मुझे मार डालेंगे! प्लीज मुझे इनसे बचा लीजिए! अवंतिका भाभी आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। मानो तुम लोग हीरो हमारे बीच में टांग अड़ाने की कोशिश मत कर, वरना कल सुबह का सूरज देखने के लिए जिंदा नहीं बचेगा तू। देखो तुम लोग जो कोई भी हो ये ठीक नहीं कर रहे हो, समझ गए तुम? ये ऐसे नहीं मानेगा। ए पकड़ो, ए आगे मत जाओ, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, रुक जाओ, मैं कहता हूँ रुक जाओ। आज आर यहां पार हो ही जाए। कहां रह गए ये लोग? अभी तक तो आ जाना चाहिए था, पता नहीं कहां अटक गए ये लोग। लगता है आ गए। कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा सर? कोई हमारा पीछा नहीं कर रहा है, तुम चिंता मत करो। कहीं हम किसी बड़ी मुसीबत में ना फंस जाएं सर? तुम बेवजह परेशान हो रही हो, कुछ नहीं होगा। कुणाल भाई, क्या हुआ? क्या हुआ कुणाल? तू जल्दी से मेरे साथ पुलिस स्टेशन चल, अवंतिका भाभी की जान खतरे में है। क्या बात कर रहे हैं तू? अवंतिका भाभी को प्रताप नगर में देखकर आ रहा हूँ। प्रताप नगर? लेकिन वो प्रताप नगर क्यों जाएगी? वो तो सुंदर नगर गई है, ब्यूटी पार्लर। मैं खुद उसे वहाँ छोड़ के आया हूँ। ये तो क्या कह रहा है? हाँ मैं अभी अभी अवंतिका भाभी को प्रताप नगर में देखकर आ रहा हूँ। ये काम कर, कॉल कर भाभी को जल्दी। हाँ करता हूँ। पिकअप अवंतिका, पिकअप। अरे यार फोन नहीं उठा रही वो। मैंने कहा था ना अवंतिका भाभी की जान खतरे में है। देख कुणाल तू इस बात को हल्के से मत ले, वो लोग बहुत खतरनाक है। अगर हमने कुछ जल्दी नहीं किया ना तो देख भगवान ना करे भाभी को कुछ भी हो सकता है। अरे ऐसी बात है तो हम लोग चलते हैं ब्यूटी पार्लर। हाँ चल चल, चल, चल। मेरी पत्नी अवंतिका यहाँ आई थी क्या? कौन अवंतिका? अवंतिका? अरे कुणाल तुम यहाँ क्या कर रहे हो? थैंक गॉड तुम यहाँ ठीक हो। ठीक हूँ मतलब? मुझे क्या होना है? ये भाभी कुछ देर पहले आप प्रताप नगर में थी ना? अमय भैया मैं प्रताप नगर में क्या करूँ, मैं तो यहीं पे हूँ कब से पार्लर में। वही तो मैं से कह रहा हूँ कि अवंतिका पार्लर में है। अरे कुणाल अगर भाभी यहाँ है तो वहाँ वो कौन थी? किसकी बात कर रहे हैं आप? भाभी वो बिल्कुल आपके जैसी दिखती है। मेरे जैसी? सीआईडी? जी हम लोग सीआईडी से। साहब मेरा नाम रमेश है, मैंने ही आपको फोन किया था। आइए अंदर आइए। हाँ साहब जब यहाँ पर आया तो इन लाशों को देखकर मैं हक्का बक्का रह गया। दो मिनट के लिए तो मेरे पैर सुन्न पड़ गए। साहब मेरे समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूँ, फिर मैंने हिम्मत करके आपको फोन कर दिया। साहब आपने किसी चीज को हाथ तो नहीं लगाया? नहीं साहब। ये तीनों हैं कौन? मालूम नहीं साहब, मैंने तो इन्हें पहली बार देखा है। मालूम नहीं मतलब? आप तो इस हाउस के रखवाली करते हैं, फिर आपको कैसे नहीं पता? साहब मैं महीने में एक बार ही यहाँ आता हूँ,
साफ सफाई के लिए, और फिर बंगले के मालिक कुमार साहब तो लंदन में रहते हैं साहब। चाहे एक बार आओ या दो बार, मगर इस फार्म हाउस की चाबी तुम्हारे पास ही होती है ना। हाँ साहब, जब मैं यहाँ पर आया तो दरवाजा खुला हुआ था साहब। दरवाजे के साथ छेड़खानी तो हुई है सर। सही है, देखिए सर, सोफे के नीचे ये मिली गन। पूरी गन भरी हुई, कोई भी गोली इस गन से नहीं चली। सर शायद इन्हें पता होगा कि इनकी जान को खतरा है, इसीलिए आत्मरक्षा के लिए अपने पास गन रखी होगी। लेकिन फ्रेडी, अगर इन्हें पता था कि इन पर हमला होने वाला है तो इन्होंने सीआईडी से मदद क्यों नहीं मांगी? और सर ये तीनों लोग यहाँ पे क्या करने आए होंगे? कपड़ों से तो ये अच्छे खासे घर के लगते, तो फिर एक अनजान आदमी के फार्म हाउस में क्यों घुसे होंगे? इस केस में सवाल ज्यादा है जवाब कम। फिलहाल हमें ये पता करना है कि ये तीनों हैं कौन। इस आदमी के जूते कुछ अजीब नहीं लग रहे? हाँ सर, इसके कपड़ों के साथ बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे। ऐसे जूते सर्जन पहनते हैं ऑपरेशन के दौरान। हाथों के नाखून भी छोटे कटे हुए हैं, जैसे कि एक सर्जन के होते हैं। सर इसका मतलब ये कोई डॉक्टर या सर्जन है? हो सकता है। मिसिंग पर्सन्स ब्यूरो से इन तीनों के बारे में पता लगाना होगा। फ्रेडी, बाहर जाके पूछताछ करो, हो सकता है किसी ने खूनी को आते जाते देखा। ये सर देखते हैं, शायद कुछ और मिले। जूतों के निशान, सर कहीं ये खूनी का तो नहीं? हो सकता है। सारे निशान उठा लो, इन जूतों की मिट्टी से ही डॉक्टर साळुंखे कोई कारनामा कर दिखाए। कौन सा पान लगाऊं साहब? पान वान छोड़ यार। अच्छा ये बता, तुमने कल रात उस फार्म हाउस पे किसी को आते जाते हुए देखा था क्या? वो फार्म हाउस तो सुनसान ही रहता बाबूजी, उसके जो मालिक है वो विदेश में रहते हैं ना, इसीलिए। अरे वो मुझे पता है। अभी इतने पुराने चावल भी नहीं हो बेटा कि एक सीआईडी ऑफिसर की जेब काट लो। तू मेरी जेब काट रहा था? माफ कर दीजिए साहब, मुझे नहीं पता था कि आप सीआईडी वाले हैं। अच्छा, सीआईडी ऑफिसर नहीं होता, एक आम नागरिक होता, तो उसकी जेब काटना सही बात? गलती हो गई साहब, अब मैं किसी की जेब नहीं काटूंगा। कोई काम धंधा हो तो बताइए ना। ठीक है, कहाँ तक पढ़ाई की है? आठवीं तक। ठीक है, पहले ये बताओ तुमने कल रात उस फार्म हाउस पे किसी को आते जाते देखा था? हाँ साहब, कल रात एक टैक्सी आकर रुकी थी वहाँ पर, उसमें से एक आदमी और एक लड़की उतरी थी। ये तीन फोटोज देखो, इनमें ही से थे? नहीं साहब, पर साहब ये इन तीनों का खून हो गया कल रात उसी फार्म हाउस में। लेकिन ये साहब वो लोग नहीं है जिन्हें मैंने देखा था। जिन्हें तुमने देखा था उनका चेहरा याद है? हाँ साहब, लड़की का चेहरा याद है। ठीक है, चल के स्केच बनवा उसका। सर और कितना वक्त लगेगा? हाय साहब, एसीपी प्रद्युमन बनने की कोशिश मत कीजिए, टाइम लगता है। हाँ सर, आप लीजिए टाइम। मैं यहीं हूँ। सर। हाँ मंगल। सर उस गन के मालिक का पता चल गया है जो हमें फार्म हाउस में मिली थी। वेरी गुड, कौन है वो? सर उसका नाम अनुज चेतेश्वर है और उसने कहा था कि एक हफ्ते पहले उसकी गन चोरी हो गई थी। ये उसकी एफआईआर की कॉपी है। कमाल, न गन इनकी, न फार्म हाउस इनका, समझ में नहीं आ रहा। और एक बात रजत, इस गन पे सिर्फ इसी बुजुर्ग औरत की उंगलियों के निशान मिले। रजत। यस सर। ये सारा चक्कर शहद का है। शहद? शहद यानी हनी? हाँ, दरअसल जूतों पर जो मिट्टी लगी हुई है, इस मिट्टी पर मुझे प्रोपोलिस मिला है। प्रोपोलिस?
हाँ वही प्रोपोलिस जिसे मधुमक्खियां इकट्ठा करती हैं अलग अलग किस्म के पेड़ पौधों फूल पत्तियों से शहद बनाने के लिए। देखो ये है प्रोपोलिस। इसका मतलब खूनी जिस जगह से होकर आ रहा था वहां शायद मधुमक्खियों के छत्ते वगैरह। बिल्कुल सर। हाँ फ्रेड, इस बुजुर्ग औरत के बारे में पता चल गया। क्या नाम है उनका? इनका नाम रमोला है। वैशाली नगर के एक घर में काम करती थी और उस घर के मालिक कुणाल ने ही इनके गुमशुदा होने की रिपोर्ट लिखवाई थी। उस चेप कतरे से स्केच बनवाए? हाँ सर, ये देखिए। अरे ये तो इस लड़की का स्केच नहीं। जी हाँ। कोई और ही है? इसका मतलब उस फार्म हाउस में इन तीनों के अलावा कोई और भी आया था। क्रिमिनल डेटाबेस में चेक किया? किया था, मगर इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। कुणाल के घर चलते हैं, शायद वो बता पाए कि ये स्केच वाली लड़की है कौन। जी कहिए, किससे मिलना है आपको? रमोला इसी घर में काम करती है ना? हाँ, लेकिन वो तो घर पे नहीं है। मालूम, जरा आपने साहब मेम साहब को बुला। क्या कहूँ उनसे, कौन आया मिलने? सीआईडी। सीआईडी? रमोला का कुछ पता चला? रमोला के बारे में पूछताछ करने। कौन आया कुणाल? ये लोग सीआईडी से हैं, रमोला के बारे में कुछ बातचीत करना चाहते हैं। रमोला के बारे में? ये मेरी पत्नी है अवंतिका। सर ये तो बिल्कुल उस स्केच वाली लड़की जैसी दिख रही। हाँ, तो भाई। क्या बात है, आप लोग इस तरह क्यों देख रहे हैं मुझे? आप एक नजर डाल लीजिए, खुद समझ जाएंगे। ये तो मेरा स्केच है। लेकिन सर मेरी पत्नी का स्केच आप लोगों के पास कैसे? एक चेप कतरे ने बनवाया। चेप कतरे ने मेरा स्केच बनवाया? जी हाँ, कल रात जब आप सिरसी रोड वाले फार्म हाउस पर गई थी तो उसने वहाँ आपको देख लिया था। सिरसी रोड वाला फार्म हाउस? कल मैं कहीं नहीं गई, पर सिरसी रोड पे तो हमारा कोई फार्म हाउस ही नहीं है। हाँ एग्जैक्टली, आपका फार्म हाउस नहीं था, इसलिए जुर्म करते वक्त आपके हाथ बिल्कुल भी नहीं कांपे। कैसा जुर्म? रमोला का खून करने का जुर्म। रमोला का खून हो गया? अब ड्रामा करना बंद करो। तुमने ही रमोला का खून किया। क्या बात कर रहे हैं सर आप? आप सीधे सीधे इतना बड़ा इल्जाम मेरी पत्नी पर लगा रहे हैं? मैं रमोला का खून क्यों करूंगी? उन्होंने मुझे पाल पोस के बड़ा किया है। वो सिर्फ मेरी दाई माँ नहीं थी, मेरी माँ से भी बढ़कर थी वो मेरे लिए। मैं तो उनके खून करने का सोच भी नहीं सकती। कैसे मान लें कि आप झूठ नहीं बोल रहे? कैसे मान लें कि आप कल रात सिरसी रोड पर नहीं थी? एक मिनट सर, ये खून कितने बजे हुआ? रात को 9 बजे। 9 बजे? तब तो मैं सुंदर नगर के ब्यूटी पार्लर में थी। अगर आप चाहते हैं तो आप वहाँ फोन करके पूछ सकते हैं। हाँ सर, शी इज राइट, मैं खुद अवंतिका को ब्यूटी पार्लर छोड़ने गया था। साहब ठीक कह रहे हैं, मेम साहब किसी का खून नहीं कर सकती। अगर तुम्हारी मेम साहब ने खून नहीं किया तो फिर इनका स्केच उस चेप कतरे ने कैसे बनवाया? मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है। हाँ सर, कल रात मेरे दोस्त अमय ने भी अवंतिका जैसी लड़की को देखा था प्रताप नगर में। अवंतिका जैसी कोई दूसरी औरत? कहाँ है आपका दोस्त, बुलाइए सर। सर वो आज ही इंडोनेशिया चला गया है छुट्टी मनाने। इन दोनों को पहचानते हैं? सर इन्हें क्या हुआ? रमोला के साथ इन दोनों का भी खून कर दिया गया। What? My God. सिरसी रोड फार्म हाउस नंबर 114 किसी श्याम सुंदर नाम के आदमी का घर है, उसे जानते हैं? श्याम सुंदर सिरसी रोड? नहीं सर, ऐसे किसी आदमी को हम नहीं जानते। और रमोला का? मैंने सिरसी रोड का उनके मुंह से नाम भी नहीं सुना कभी। आखिरी बार कब देखा था आपने रमोला को? कल शाम 7 बजे मैं रूटीन चेकअप के लिए हॉस्पिटल गई थी। रमोला उस वक्त मेरे साथ ही थी। हम लोग वापस घर आए और फिर मैं पार्लर के लिए निकल गई। वो कहीं गई जरूर थी, मगर उन्होंने कुछ बताया नहीं कि वो कहाँ जा रही है। हाँ सर, और जब वो वापस नहीं आई तभी हमने पुलिस में कंप्लेंट की। किसी को शक है आपको? मेरी दाई माँ बहुत अच्छी थी, उन्हें मार के किसी को क्या मिलेगा। ठीक है, फिलहाल हम चलते हैं, लेकिन जरूरत पड़ी तो दोबारा आएंगे। जी। अच्छा, उन बाकी दो लाशों के बारे में पता चल गया? कौन है वो? एक डॉक्टर और एक नर्स। कहाँ काम करते हैं? चेरी फ्लॉस।